stop. You okay? चलो यहाँ से. Are you okay? हाँ आप. प्लीज मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ती हूँ. कुछ भी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है. तुम जाओ यहाँ. देखिए देखिए आप बहुत परेशान हैं और मैं. प्लीज मुझे मेरी परेशानियों के साथ अकेला छोड़ दो प्रियंका. ना तो हम दोस्त हैं और ना ही हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है जो मैं. देखिए देखिए ये मौका नहीं है पर्सनल झगड़ों में पड़ने का. मैं पर्सनल झगड़ों में नहीं पड़ रही हूँ प्रियंका. तुम समझती क्यों नहीं हो. ठीक है तो जो मैं नहीं समझ रही हूँ आप मुझे समझाइए ना वो बात. मैं नहीं समझा सकती तुम्हें. आज के बाद मैं तुमसे आंखें भी नहीं मिला सकती. तुम्हारी नजरों में गिर कर ना तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और ना ही तुम्हारे सामने. जब तक ये बात छिपी हुई थी तब तक ठीक था. लेकिन आज मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. देखिए देखिए आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए. लिसन टू मी. ये बात अब भी छिपी रह सकती है लेकिन पहले आप मुझे बताइए तो सही आखिर वो बात है क्या. प्लीज प्लीज मुझे बताइए. और आप जो भी कहेंगे वो सिर्फ मैं सुनूंगी. वो बात मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगी. आई प्रोमिस यू. प्लीज टेल मी. प्लीज मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी. आई प्रोमिस. ये लड़का जो तुम इन फोटोग्राफ्स में देख रही हो इसका नाम शेखर है. शेखर एक फैशन फोटोग्राफर था. शादी से पहले ब्यूटी पेजेंट की ट्रेनिंग के दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई और उसी ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों के बीच प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए. करीब मतलब बहुत करीब. फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ और मैंने टाइटल जीत लिया. लेकिन टाइटल जीतने के बाद ना जाने मैं बदल गई थी या फिर वो जरूरी से ज्यादा पोजेसिव हो गया था और मेरा करियर कंडक्ट करना चाहता था और हर बार मुझ पर इल्जाम लगा था कि टाइटल जीतने के बाद मैं मतलब ही हो गई हूं. मैं ग्रीडी हो गई हूं. एक रात उसने सारी हदें पार कर दी. भरी पार्टी में उसने सबके सामने बहुत बड़ा तमाशा किया. मुझे बहुत बेइज्जत किया. कई इल्जाम लगाए. बहुत भला बुरा कहा. बस उस रात मैंने उस पार्टी से ही नहीं उसकी जिंदगी से भी निकल गई. फिर मैंने दोबारा पलटकर उसकी तरफ कभी नहीं देखा. कई महीनों तक उसने मुझसे मिलने की कोशिश की पर मैं उसे नहीं मिली. फिर सुनने में आया कि बहुत शराब पीने लगा और उसी बिहेवियर की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया. 2 साल बाद मैंने ऋषभ से शादी कर ली और अब 2 महीने पहले वो मेरी जिंदगी में फिर दाखिल हुआ. पहले 1-1.5 महीने तो काफी शराफत से पेश आया लेकिन फिर 15 दिन पहले मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है क्योंकि क्योंकि उसके पास हमारी ऐसी कुछ तस्वीरें जो. प्लीज जस्ट काम डाउन. कितने पैसे मांग रहा है वो. 25 लाख रुपए. लेकिन ये तो मैंने जिंदगी भर का रोक पा लिया. एक बार पैसे मिल जाने के बाद वो छुप थोड़ी बैठेगा. कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे. ओके यू डोंट वरी. मुझे डर तो सिर्फ ऋषभ का. अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लगी तो इससे पहले कि मैं अपनी जान लूं वो मुझे जान से मार डालेगा. प्रियंका प्लीज हमारे बीच कितने भी झगड़े क्यों ना हो प्लीज तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी. प्लीज प्लीज प्रॉमिस मी. ऑफ कोर्स मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी. मेरी जुबान पर ये बात कभी नहीं आएगी. आई प्रॉमिस. और अब ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है. इस शेखर की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी.
कम इन। मामा, मुझे बुला लिया तो? मुझे भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हें बुलाऊं तो मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी भी या नहीं, तो मैं खुद ही चली आई। इस बेटे पर आपको शुरू से कुछ कमी भरोसा रहा? भरोसे की बात नहीं है बेटा, मेरे और तुम्हारे बीच बात ही कुछ कम हुई है। मामा, आपको मुझसे बातें करना ज्यादा भाता नहीं। तुम्हारी यही धारणा है हमारे बीच की दीवार है। आज भी मैं तुम्हारी और अपनी बात नहीं करने आई हूं, मैं तुम्हें इतना बताने आई हूं कि उस बहस के बाद तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, बड़े डिस्टर्ब से हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए। इसलिए क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा लायक और काबिल लोग उस ऑफिस में हैं। जो मुझसे कहीं बेहतर तरीके से ऑफिस संभाल सकते हैं। बड़े दुख की बात है बेटा, अपने पापा के कहे दो कड़वे शब्द तुम्हें गवारा नहीं। वो जो जिंदगी भर तुम्हारी तारीफ करते रहे हैं और आज तक थके नहीं। और आपको यह बात मामा कभी गवारा नहीं थी, क्योंकि जब भी डैड मेरी तारीफ में कुछ भी कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप शुरू से राहुल की तरफदारी करती आई और आपको हमेशा इस बात की शिकायत रही है कि डैड मेरी साइड क्यों लेते हैं। चलिए मामा, ये बात भी आज गलत साबित हो गई। चलो, आज तुमसे जितनी बात हुई है उसे ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ अपने उस बेटे से क्या बात करे जो मूर्ख अपनी माँ पर यह इल्जाम लगा रहा है कि उसे अपना एक बेटा अच्छा लगता है और दूसरा बुरा। ऐसा इल्जाम वही नादान लगा सकता है जिसे माँ के दिल का कोई अता पता ही नहीं होता। ऋषभ, मेरी गोद, मेरी ममता पर भी तुम्हारा उतना ही हक है बेटा जितना मेरे और बेटों का है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कम लोरियां सुनाकर बड़ा नहीं किया है। जिस दिन तुम्हें माँ का दिल समझ में आ जाएगा ना, तब हम फिर से बात करेंगे। क्या एकदम से? अगर मैं इस घर में कुछ देर अकेला रहना चाहूं तो क्या मुझे अकेले रहने की सहूलियत मिल सकती है? चलो, गनीमत है, पहली नजर में तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना बाहर इतनी धूल उड़कर आंखों में पड़ जाती है कि सामने खड़े अपने पहचान में नहीं आते। ऋषभ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना पहचानूं? ऐसा होने को होगा भी, तो मैं नहीं होने तुम। मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो तुम अकेले में क्या मटर गश्ती करते रहते? क्या मैं जान सकता हूं कहां गई थी?
मैं इन्हें अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। अगर डॉक्टर के पास तुमसे अकेले जाना नहीं हो पाता तो तुम डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, डॉक्टर घर आ जाएंगे। ऋषभ ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं किसी के साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इसमें बुराई क्या है? तुम जिसके साथ गई हो वो किसी के साथ वाला साथ नहीं, तुम जिसके साथ गई थी ये तो यूं हुआ कि गोया मर्ज की बाहों में बाहें डालकर हमें इलाज करवाने जाते हैं। मैं समझी नहीं, लेकिन मैं समझ गई। इनके कहने का मतलब है कि आइंदा मेरे साथ कहीं नहीं जाना, और अगर इनका कहना है तो आपको मानना पड़ेगा। हेलो, मैं मिस जूही लामा के कॉलेज से प्रोफेसर भाटिया बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपको इस बात की तल्ला देना चाहता हूँ कि मिस जूही लामा को अटेंडेंस कम होने की वजह से इस बार एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। आई एम श्योर देयर हैज बीन सम मिस्टेक। जूही की अटेंडेंस शॉर्ट कैसे हो सकती है? वो तो रोज कॉलेज अटेंड करती है। पर वो कॉलेज पहुँचती नहीं, तभी तो उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। हैव ए गुड डे। हेलो, दरवाजा खोलना। मैंने कहा ना, I'm fine. Okay, then open the door. दरवाजा खोलो। मैंने आपसे कहा ना, I'm fine. जरा मैं भी तो इत्मीनान कर लूं कि सब कुछ ठीक है। पर वो just let me in, Johnny. आपको क्या लगा? मैं आपसे कुछ छिपा रही हूँ? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? इस घर के जो छोटे हैं ना जूही, वो सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। जरा सी रोक टोक करो तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं। पर छोटों पर निगरानी रखना बड़ों का फर्ज होता है, और तुमसे बड़ी होने के नाते इतना हक तो तुम मुझे दे ही सकती हो ना? ऑफ कोर्स चाची। गुड। एक और बात, अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो या किसी बारे में बात करनी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। आई होप यू नो दैट। एंड नाउ यू बी अ गुड गर्ल, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी चाची गई क्या? वो तो गई, और अब तुम भी यहाँ नजर मत आओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे बिना मेरा कहीं दिल नहीं लगता। जो इससे पहले कि मेरे घर वाले तुम पर अपना प्यार एक्सप्रेस करें, यू बेटर गो। राहुल। माँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम ऑफिस में कैसे? घर में जी घबराने लगा था, इसलिए तेरे पास चली आई। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? अरे जो घर तुम्हारे दम पर टिका हुआ है उसमें तुम्हारा जी घबरा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? उस घर में जो हो रहा है वो मेरे लिए भी नया है, मुझे भी इस सिचुएशन से निपटना नहीं आता। अरे माँ, लेकिन हुआ क्या है बताओ भी। मुझे नहीं याद आता
अपने घर में तुम्हारे पापा और ऋषभ के बीच कभी बात बंद हुई हो। ऐसा कभी ना हुआ और ना मुझे लगता था ऐसा कभी हो पाएगा, पर ऐसा हो गया राहुल। क्या भाई, तुम क्या कह रहे हो? डैड और भैया बात नहीं कर रहे? कब से? वो जो कल बहस हुई थी उसके बाद से। और मुझे लगता है कि उनके बीच जो खामोशियां हैं वो अब बढ़ेंगी राहुल। अहो माँ, लगी शर्त? कल सुबह क्या डैड और भैया आज रात को ही बात करने लगेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और मामा, आई कांट बिलीव दिस, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान हो रही हो। इट्स नथिंग, डोंट वरी, इट्स बी फाइन। चलो मेरा काम खत्म हो गया, जा रही हूँ। तोते ने मिर्ची खाई। ऋषभ लांबा की मिर्ची? कोई तोता खाने से मना कर सकता है? हैट्स ऑफ ऋषभ लांबा, क्या मूव चला तुमने। जिन्हें खेल का सलीका हो वो ऋषभ लांबा के हर मूव पर ताली बजाए। पता है कितना डर गई थी, जैसे कि इन फोटोग्राफ्स में किसी गैर मर्द के साथ मैं नहीं वो खुद हो। प्रियंका खरबंदा का ये डर हम जल्दी ही जस्टिफाई कर देंगे, बहुत जल्द कुछ तस्वीरें खींची जाएंगी और उसमें ये गैर मर्द प्रियंका के साथ होगा।